हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई चीज़ ब्रांड के नाम पे बाई करते हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, जैसे कि मेरे अंकल के साथ हुए। मैं आपको बता दूँ कि जो भी ब्रांड होते हैं उनके कई सारी कॉपी कंपनियाँ भी होती है, जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे ब्रांड का नाम लगा कर और मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप खरीद कर और बाद में बहुत पछताते हैं कि भाई ये ऐसा सामान निकल गया, वैसा निकल गया। तो ये मेरे पास एक पावर बैंक है जो कि वो उनका ही है, मेरे अंकल जी का है, जो कि दिए थे कि ये थोड़ा चेक कर लेना कि ये पावर बैंक मैं खरीदा था मार्केट से, ये लगभग 1200 रुपये का खरीदे थे वो, और ये चल नहीं रहा है, बहुत ही कम चल रहा है, बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम चल रहा है। बस मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, कि क्यों ये ऐसा चल रहा है। तो आज की वीडियो में आपको यही सब दिखाने वाला हूँ कि आपके साथ कैसे कैसे स्कैम हो सकते हैं। तो भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये अभी 25% चार्ज है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इधर 3 आउटपुट पोर्ट हैं, जो कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर का होते हैं, और इधर इसका इनपुट है, ये LED है। इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है और कैसा स्कैम हुआ है इसके साथ। तो अब ये ओपन हो गया है, ये देख सकते हैं आप, ये है गाइस इसके अंदर का स्कैम, जो कि भाई जो MCL होता है वैसे टाइप का कुछ मटेरियल है जो कि इसके अंदर रखा गया है भाई। और ये है गाइस इसके अंदर का बैटरी, जो कि भाई ये है 3200 mAh का बैटरी, दिखाया है बाहर से कि भाई 3200 mAh का पावर बैंक है, और इसके अंदर भाई बैटरी जो है भाई ये टेक्नो का पता नहीं कितने mAh का बैटरी, हाँ ये दिख रहा है इसके अंदर 850 mAh की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की, और बाहर से दिखाया है 3200 mAh का पावर बैंक है। ये भाई इसका असलियत, इसके अंदर का स्कैम है भाई, तो कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ। इसके अंदर बस एक पावर बैंक का किट लगा दिया गया है और एक बैटरी जो कि मोबाइल की बैटरी होती है वो लगा दिया गया है, और ये पता नहीं कैसा मटेरियल इसके अंदर रख दिया गया है, जैसे कि इसका वजन पावर बैंक इतना हो गया है, और बाहर से दिखने में भी लग रहा है कि पावर बैंक ही है, लेकिन अंदर जो स्कैम हुआ है भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है। इधर से ये ऐसे इंडिकेटर है, जो असली पावर बैंक होते हैं उसमें ये डिजिटल लाइट लगी होती है, ऐसे लाइट नहीं होती है, जैसे कि इसके अंदर नंबर ऐसे दिखाई दे रहा है, और जो डिजिटल होते हैं उसके अंदर भाई डिजिटल लाइट खुद इंडिकेट करके दिखाती है कितना चार्जिंग है इसके अंदर, ये कैसे पता चलेगा भाई। पूरा भाई इसमें नेक्स्ट लेवल का स्कैम हो गया है। तो गाइस, आप भी कोई सामान मार्केट से या कहीं से भी बाई करें तो भाई इसको ध्यान से देख कर ही कर दे, नहीं तो भाई ऐसा स्कैम हो सकता है आपके साथ भी, जैसे कि मेरे अंकल जी के साथ हुआ है। आई होप गाइज आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको ब्रांड के नाम पे कैसे कैसे स्कैम हो सकते हैं। तो बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय।